कार्यक्रम दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज का दो टूक इसलिए एक बार फिर से खास है क्योंकि हम ये दो टूक सीधा आप तक पहुंचा रहे हैं राम की नगरी, पावन नगरी अयोध्या से। अयोध्या में सरयू के तट से, राम की पेड़ी से मैं अशोक श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा आप जानते हैं कि 22 तारीख की प्रतीक्षा पूरे देश नहीं पूरे विश्व में हो रही है। राम नाम की गूंज भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में हो रही है। और अब तो शंखनाद ब्रिटेन की संसद में भी हो गया, ब्रिटेन की संसद में भी शंखनाद हुआ और वहां भी प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ब्रिटेन की संसद में भी इस बात की चर्चा हुई, इस बात की गूंज उठी। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि भारत ही नहीं दुनिया भर में इस कार्यक्रम को लेकर बेहद जबरदस्त उत्साह है। ऐसा लग रहा है कि प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस लौट रहे हैं। ठीक वैसा ही माहौल, ठीक वैसा ही उत्साह अयोध्या में और पूरे देश में है। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तमाम 22 तारीख के इंतजामों का जायजा लेने के लिए आज अयोध्या में थे। और अयोध्या में उन्होंने जब इस तमाम जानकारियों का जायजा लिया तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा ये जो पूरा कार्यक्रम है 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है, उन्होंने कहा 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, ये एक तरह से राष्ट्र की गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा जो है इस कार्यक्रम के साथ होने जा रही है। कई लोग मानते हैं कि ये एक तरह से राम राज्य जो है उसका संकेत है कि भारत में राम राज्य की वापसी एक बार फिर हो रही है। लेकिन इसको लेकर बार बार हम आपको बता रहे हैं सियासत लगातार गरमाई हुई है। शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब इसको लेकर, इस पूरे मसले को लेकर के तमाम विरोधी स्वर सुनाई ना देते हों। यूं तो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में विरोध के स्वर भी सुनाई देने चाहिए। लेकिन विरोध के स्वर में कुछ स्वर इतने कड़वे होते हैं कि जो सुनकर हैरानी भी होती है, थोड़ा अफसोस भी होता है। अब देखिए एक तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ये भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा हो रही है इस कार्यक्रम के साथ, तो दूसरी तरफ उदित राज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, उदित राज जी ने कहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर कहा, उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि जो भारत है वो तबाही के रास्ते पर आगे बढ़ेगा अगर भारत जो है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो इसी को लेकर उन्होंने कहा कि भारत अब ऐसा लगता है तबाही के रास्ते पर है। तो भारत तबाही के रास्ते पर है, ये अपने आप में ये गंभीर विषय है। इस तरह के बयान अगर ऐसे मौके पर दिए जा रहे हैं तो ये अपने आप में जो कटुता है वो बढ़ाने वाले बयान है, इनसे बचा जाना चाहिए। दूसरी तरफ आज सोशल मीडिया पे प्रभु श्री राम की एक जो उनकी मूर्ति जो यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित हो रही है उसकी फोटो भी वायरल हो गई। और फोटो जब वायरल हुई उसको लेकर के आज दिग्विजय सिंह कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता, उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर बाल स्वरूप हैं भगवान श्री राम तो उनको कौशल्या माँ की गोद में होना चाहिए था। मूर्ति ऐसी होती जिसमें कौशल्या माँ भगवान श्री राम उनकी गोद में होते। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने फिर से सवाल उठाया कि जो पूरी प्रतिमा थी, जो मूर्ति थी, जो रामलला की मूर्ति थी, जो पहले प्रतिष्ठापित थी, वो आखिर कहाँ है, उसको क्यों हटा दिया गया। इन तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ राम की पेड़ी से कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे। इससे पहले कि इन सभी मेहमानों से आपका परिचय करवाऊं, जरा एक बार सुन लीजिए क्या कुछ बयानबाजी इस पूरे मसले को लेकर हुई है। आज आरएसएस के प्रमुख नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी भी आज वो अयोध्या में थे और उन्होंने कहा है कि जितनी प्रतीक्षा प्रभु श्री राम के लिए अयोध्या वासियों को उस दौर में करनी पड़ी थी वन से वापसी के लिए, उससे कहीं लंबी प्रतीक्षा हिंदुओं को राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की करनी पड़ी है। जरा सुनिए सब आज के जो खास बयान है, उसके बाद आज के इन विषयों पर डिबेट को, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। अभी भी हमारा हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ है, हालांकि हिंदू राष्ट्र घोषित करने में लगे हुए हैं और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र जब
संभव होगा इस देश में तो तबाही आएगी। तो मुझे लगता है कि अब तबाही आने वाली है। आज विरोध करें तब भी वही लोग विरोध कर रहे थे, यही पूज्य संत थे जिन्होंने कहा मुहूर्त नहीं सही है। जब वो हो गया, जब मुहूर्त, जब भूमि पूजन हो गया, तब बोला कि जो है कोरोना के बहाना बनाकर और मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। ये सब कोई बात हुई क्या? ये शुद्ध रूप से रामद्रोही हैं, रामद्रोही रहेंगे। क्या राम का और कोई घर नहीं है? यहाँ जो राम के मंदिर हैं वो क्या बेकार के लोग हैं, मंदिर हैं? राम हर जगह पे है, वो उस जगह पे भी है जहाँ मंदिर नहीं है, तो वो विश्व का राम है, वो एक तबके का राम नहीं है। ये बात याद रखिए, ये जो फैला रहे हैं हिंदू हिंदू हिंदू, वो गलत है, ये अपने पुस्तकें नहीं जानते। राम विश्व का राम है, याद रखिएगा। आप आ क्यों नहीं रहे हो ये भी क्लियर है। आपने अपने एफिडेविट में जो सरकार ने दिया था जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो इन्होंने दिया था ना एफिडेविट कि राम पैदा ही नहीं हुए, राम थे ही नहीं भारतवर्ष में। तो अब उसके बाद तो ये इस लायक नहीं है कि कुछ भी बोल सके, मुंह दिखाने लायक नहीं है। कांग्रेस का हर नेता ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, कारण उसको मस्तिष्क में, उसको मन में 3M बैठा है। 3M का मतलब मालूम है क्या? मेकाले, मार्क्स, माओ, उसको भूत है उसके अंदर। सनातन धर्म को विरोध करो, राम को विरोध करो, राम मंदिर को विरोध करो, भारतीयता को विरोध करो। विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसे कार्यक्रम अब तक सभी सकुशल संपन्न हुए हैं, 22 जनवरी का कार्यक्रम भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। भारत के विश्वास और लोक आस्था की पुनर्प्रतिष्ठा का, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को हम लोग जनता जनार्दन और सभी आम जनमानस के सहयोग से, पूज्य संतों के आशीर्वाद से, रामलला की कृपा से सकुशल संपन्न करने में सफल होंगे। हम स्वतंत्र हुए तो हमको लगा कि हमारा राम मंदिर, हमारा शिव मंदिर, हमारे कृष्ण मंदिर कुछ तो हमको मिल जाएंगे। दसियों हजार मंदिर टूटे हैं, कुछ मिल जाएंगे तो हिंदू समाज को लगेगा भाई उनको आजादी मिली है। वो नहीं हुआ, इसलिए ये आंदोलन करना पड़ा, क्योंकि हिंदू समाज की जो आत्मा है ये धर्म के ऊपर आधारित है, सत्य के ऊपर आधारित है। बयानों की झड़ी थी और कुछ कुछ फुल झड़ी भी थी, लेकिन डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद, दरअसल होना तो ये चाहिए था कि आजादी से पहले, हम जानते हैं जो आक्रमणकारी थे उन्होंने हिंदुओं के हजारों हजार मंदिर तोड़े थे। उन्होंने कहा कि जिन्होंने मंदिर तोड़े अब उनसे कोई बैर नहीं है, लेकिन आजादी के बाद उम्मीद ये थी कि कुछ प्रमुख मंदिर तो हिंदुओं को वापस मिलेंगे, ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए राम जन्मभूमि का मुक्ति आंदोलन जो है वो चलाना पड़ा। तो इन तमाम मसलों पर, इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। मेरे साथ आज राम की पेड़ी अयोध्या में जो प्रमुख मेहमान मौजूद हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे दाईं तरफ श्याम जाजू जी हैं, बीजेपी के बेहद वरिष्ठ नेता श्याम जाजू जी इन दिनों अयोध्या में हैं और मेरे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जाजू जी। मेरे साथ एक और मेहमान सूर्य कुमार मैथिल जी, मेरी दाईं तरफ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ भूपेंद्र धर्माणी जी हैं, भूपेंद्र धर्माणी जी पूर्व सूचना आयुक्त हैं हरियाणा के। और मेरे साथ शरद शुक्ला जी हैं, शरद शुक्ला जी उपाध्यक्ष हैं प्रदेश युवा कांग्रेस के, यहाँ के प्रखर नेता हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। बहुत जल्दी मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरे साथ अमेरिका से आए एक भारतवंशी एक प्रमुख मेहमान भी शामिल होंगे, लेकिन सबसे पहले श्याम जाजू जी मैं आपसे शुरू करता हूँ। श्याम जी, जो आज कहा उदित राज जी ने, वो कह रहे हैं कि बाबा साहब ने कहा था हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो तबाही आ जाएगी, और वो कह रहे हैं कि तबाही ऐसा लगता है आने वाली है, क्योंकि आप लोग ये राम मंदिर के नाम पर हिंदू राष्ट्र जो है बनाना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं लोगों पर। अभी अभी जिन जिन नेताओं के बयान मैंने देखे, उदित राज जी का भी देखा, बाकी भी कांग्रेस के कोई प्रादेशिक नेताओं के देखा, सपा के नेताओं के देखे, राजद के नेताओं के देखे,
सभी, और मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों की जमीन खिस रही है, खिसक रही है जमीन। कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, उदित राज जी बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान की चिंता कर रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी ने 1980 में अपने स्थापना में कृत संकल्प किया था कि संविधानिक मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए राम जन्मभूमि का निर्माण के लिए हम कृत संकल्पित है। उस पर एक तसुवर भी इधर से उधर ना जाते हुए पूरे पेशेंस के साथ इस देश के हिंदुओं ने यह लड़ाई लड़ी है। अभी कृष्ण गोपाल जी का बयान आप बता रहे थे, ये कोर्ट की लड़ाई 1885 से शुरू होकर 2019 में खत्म होती है। हमें, हमारा भाग्य है मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से इस सब कोर्ट की गति को, प्रक्रिया को गति तेज कर आज हम इस निर्णय तक आए हैं और रामलला को वापस विराजित करने में हम यशस्वी हुए हैं। मैंने तो बहुत जन आंदोलन देखे, बहुत चुनावों के कैंपेन भी देखे। आज इस अयोध्या के तट पर, सरयू के किनारे मैं जिस प्रकार का माहौल देख रहा हूँ, जन सैलाब जिस प्रकार से उमड़ कर आया है, उनमें जो रौनक है, जो उत्साह है, इसके कोई कल्पना नहीं कर सकता। इस प्रकार का काम मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। लोग बयान कुछ भी दे, उनको भी मालूम है उनके हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है। लोगों ने ये राम जन्मभूमि का मुद्दा अपने हाथ में ले लिया है। ये कोई संस्था, कोई पॉलिटिकल पार्टी इनके तक सीमित नहीं रहा है, ये देश का एजेंडा बन गया है। सब टीवी चैनल्स, सब जनता, गरीब से लेकर अमीरों तक, सबके मन में यही भाव है। आज तक हमने केवल मंदिर टूटते हुए देखे है। हम भाग्यवान लोग हैं, हम मंदिर का पुनर्निर्माण भी हमारे सामने देख रहे हैं। जी जो आप ये जो बात कर रहे हैं, देश का एजेंडा बन गया, इसी से तो शायद उदित राज जी को थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं एजेंडा कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने का तो नहीं है। भाई कांग्रेस वालों को तो इस प्रकार की जनता की नब्ज की कल्पना ही नहीं है। अगर कांग्रेस सरकार चाहती तो देश जब आजाद हुआ तब यह प्रश्न खत्म हो जाता। यह देश की अस्मिता है, ये देश का आराध्य है, ये श्रद्धा स्थान है, लोगों की भावना इससे जुड़ी है, ये उनके कभी समझ में नहीं आया। आज तक कांग्रेस का इतिहास इस आंदोलन को पीछे करने के लिए रहा। 93 में इस रामलला की जो अपनी ओरिजिनल जमीन थी, जो कोई विवादास्पद नहीं थी, ऐसी 67 एकड़ जमीन कांग्रेस ने सरकार जमा कर दी। मोदी जी आने के बाद तुरंत वो सरकार ने जमीन रामलला के ट्रस्ट को वापस दे दी। कांग्रेस जब कोर्ट की लड़ाई चली, कांग्रेस वालों ने क्या क्या नहीं किया। जब मोदी जी यहाँ पर शिलान्यास करने आए थे, मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था, उस दिन कांग्रेस वाले काले कपड़े पहनकर देश भर घूम रहे थे, नारे लगा रहे थे। कपिल सिब्बल जी ने कहा था कि ये कोर्ट की जल्दबाजी मत करो। नहीं, लेकिन उस समय कांग्रेस ने तो खैर ये कहा कि हम काले कपड़े पहने, महंगाई के विरोध में संसद में आया। बहरहाल ये विषय में अगर मौका लगा तो इस पर जरूर दोबारा आऊंगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, शरद शुक्ला जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस के यहाँ के प्रखर नेता हैं। शरद जी, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि ये जो बात है, क्या वास्तव में नब्ज नहीं कांग्रेस पकड़ पा रही है, ये कहना कि भाई तबाही के रास्ते पर है, मुझे लगता है ये इस वक्त कड़वाहट वाला बयान है जो कड़वाहट घोलेगा। ऐसे बयानों से बचा जाना चाहिए, क्योंकि जनता भी मुझे नहीं लगता इसको पसंद। व्यक्तिगत बयान हो सकता है और मेरा अपना मानना और पार्टी का भी मानना है कि इस तरीके बयान देने से बचना चाहिए, और निश्चित रूप से उनका व्यक्तिगत इनका बयान है, इससे पार्टी का कोई संबंध नहीं है। एक चीज और, वे जो अभी मैंने आरएसएस के जो सह सरकार है उनका बयान भी सुनाया, अभी जो बात अभी श्याम जाजू जी भी कह रहे थे, क्योंकि अब कांग्रेस की नेता, कांग्रेस के कई नेता खुद ये कहते हैं कि भाई देखिए हमने तो ताला खुलवाया था, हमने जो है उस वक्त जो है राजीव जी ने मूर्ति जब हुई तब भी उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। आपको लगता है कि अगर आज़ादी के बाद कम से कम ये मामला सेटल हो जाता तो आज बीजेपी को इतना आगे बढ़ने का इस मुद्दे पर मौका नहीं मिलता, तो शायद जनता जो आज इनके साथ खड़ी है आपके साथ ही, कहीं ऐसा लगता है गाड़ी छूट गई। आपको ये बात आप मानते हैं कि इस पूरे मामले का पॉलिटिकल माइलेज लिया जा रहा है, इसको मानते हैं अपना? नहीं, सवाल पॉलिटिकल। देखिए, मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं कि राम हृदय में धारण करने का विषय है। राम इस देश के जो विचारधारा है
उन पर निमित्त है, श्री राम जी के विचारों पर भी निमित्त है, उनके संदेशों पर निमित्त है। तो मेरा अपना ये मानना है और पार्टी का भी ये मानना है कि राम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम जब भी सरकार में रहे, जो भी न्याय संगत था उसको किया गया। क्यों आपको लगता है कि बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है? कर रही है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आज जो तिथि का चयन किया गया है, असल तिथि का चुनाव नहीं किया गया है, चुनाव देख के तिथि तय की गई है। और मैं इसको भी, आप आदरणीय प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है, इनको कोई बात जिम्मेदारी से कहनी चाहिए। इन्होंने अभी कहा कि जिस दिन राम मंदिर का शिला पूजन हो रहा था तो कांग्रेस के लोग काले एंड पैंट नारे लगा रहे थे। मैं इनसे पूछता हूँ, नारे कहाँ लग रहे थे भाई? गरीबी खिलाफ लड़ रहे थे और पहले तय था वो, इसको आप राम मंदिर जोड़ रहे हैं। और आप अयोध्या से आइए, रामघाट या नयागढ़ की तरफ से पैड़ी तक आप आए होंगे, इस पूरे अयोध्या के अंदर कोई बता दे इस राम मंदिर के आंदोलन में रामचंद्र परमहंस का योगदान था कि नहीं था, अभिराम दास जी का योगदान था कि नहीं था, अशोक सिंघल जी का योगदान था कि नहीं था, अडवाणी जी का योगदान था कि नहीं था, कल्याण सिंह का योगदान था कि नहीं था। लेकिन जब आप रास्ते में आते हैं, सिर्फ एक ऐसी फोटो लगी है उसमें, बस नरेंद्र मोदी की। तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मेरी खिलाफत इस बात पे है कि इस राम जो जन्मभूमि का आंदोलन है, जो कार्यक्रम ये होने जा रहा है, ये एक व्यक्ति के राजनीतिक प्रपंच का पूरा एजेंडा बन के उसका पॉलिटिकल एजेंडा पूरा सेट करके एक इवेंट बनाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे आपने कहा ये बात ठीक है कि कटआउट मैंने भी देखे प्रधानमंत्री के लगे हैं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, मैंने अशोक सिंघल जी के, कल्याण सिंह जी के कई पोस्टर देखे जिनमें ये लिखा है कि हम यही है, हमारा आशीर्वाद है। ये मुझे नहीं पता किसने लगवाया, जो लगवाया जो सरकार ने, आप कह रहे हैं सरकार को अशोक सिंघल जी का बयान लगवा, पोस्टर लगवाने चाहिए। उसमें कहीं उनको नहीं पूछा गया? अरे किसी को नहीं, मुझे ये बताइए जो अशोक सिंघल जी के पोस्टर लगे किसने लगवाए? आप कह रहे ना बीएचपी लगवाएंगे अपने, बीएचपी ने अगर मान नहीं लगवाए तो भाई, अगर वही पोस्टर सरकार लगवाती तो आप कहते हैं कि सरकार विश्व हिंदू परिषद के पोस्टर क्यों लगवा रहे? योगी जी की लगवा देते, कटआउट लगवा देते, उनके लगवा देते, उतरवा दिया। चलिए ये भी एक व्यक्ति का, समझ लीजिए इस बात को, सिर्फ एक व्यक्ति का पॉलिटिकल प्रपंच चाहिए। चलिए ये भी ठीक है, मैं इस पर डिबेट आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि आज कांग्रेस के यहाँ के नेता कह रहे हैं कि भाई योगी जी के कटआउट लगा देते हैं, सिर्फ मोदी जी के हटा रहे हैं उसको, नहीं हटा रहे। ठीक है, मैं आऊंगा इस विषय पर, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं राम की पेड़ी से, अयोध्या से। ये आप विशेष दो टूक देख रहे हैं, जुड़े रहिए, लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाट की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाट की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकेम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम ग्रीन ऑइंटमेंट। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी, NPS जरूरी है। देख पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों बैठा है? पता नहीं, उसे टीबी है। और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। अंदाज़ तेरा अपनों से गहरा, The taste of India।
भाई तुम मान ही नहीं रही हो। कहा ना अभी दूसरा बच्चा नहीं करना। क्यों नहीं करना अभी? एक तो घर वालों ने परेशान कर रखा है और ऊपर से तुम समझती नहीं हो। सुनती हो? पप्पू मिला था। पप्पू? कह रहा था कि जब तक हमारी बिटिया 2 साल की नहीं हो जाती तब तक हम दूसरे बच्चे की प्लानिंग ही नहीं करेंगे। क्यों भाई? अरे बच्चों के भविष्य के लिए। कल को बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि 80% मानसिक विकास तो उसका उसी समय होता है। तभी तो माँ बाप उसके साथ खेलते कूदते हैं, बातचीत करते हैं, उसको कहानी सुनाते हैं। ये चाय का ठंडी है भाई? हाँ, दूसरा भी अभी हो गया तो दोनों पे ध्यान कौन देगा? समझ गए चाचा जी। अरे समझ गए, शर्म नहीं आता तुमको दूसरे के घर का बात सुनते हो? बच्चों में अंतर उनके विकास और माँ की सेहत के लिए जरूरी है। तब तक कंडोम का इस्तेमाल हर बार। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है और आज ये विशेष दो टूक आप देख रहे हैं राम की पेड़ी अयोध्या से सीधा। और जो प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है वो धीरे धीरे नजदीक आ रही है, लेकिन बयानबाजी जो इस पूरे मसले पर चल रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अलग अलग तरह के बयान हैं, जैसे मैंने आपको ब्रेक पर जाने से पहले भी सुनवाए। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, ये भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा हो रही है एक तरह से। लेकिन दूसरी तरफ उदित राज कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये एक तरह से तबाही की शुरुआत हो सकती है। हालांकि मेरे साथ यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि ये उदित राज जी का निजी बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बयानों का सिलसिला बड़ा लंबा चौड़ा है, इन्हीं सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। और मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है एक बार फिर उनका परिचय करवा दूं। श्याम जाजू जी हैं, बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और ये जो पूरा राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चला उस दौर को उन्होंने बहुत करीब से अपनी आंखों से देखा है। मेरे साथ सूर्य कुमार मैथिल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ भूपेंद्र धर्माणी जी हैं, भूपेंद्र धर्माणी जी पूर्व सूचना आयुक्त हरियाणा के हैं। शरद शुक्ला हैं, उपाध्यक्ष हैं प्रदेश युवा कांग्रेस के। और मेरे साथ एक और जो मेहमान जुड़े हैं फनी कृष्णा जुड़े हैं। फनी कृष्णा जो है अमेरिका में पत्रकार हैं, भारतवंशी पत्रकार हैं और इस पूरे इवेंट को कवर करने के लिए यहाँ आए हैं। फनी कृष्णा जी, अब यहाँ डिबेट हो रही थी तो ये बार बार सवाल उठ रहा है, तो इसलिए मैं आपसे ज़रूर एक, क्योंकि आप दूर देश से आए हैं वहाँ से चीज़ें देखते होंगे, यहाँ से आप देख रहे होंगे, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि यहाँ पर बार बार ये कहा जा रहा है, ये पूरा जो प्रोग्राम हो रहा है, ये जो प्राण प्रतिष्ठा का, ये एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया गया है। अभी आपने थोड़ा बहुत सुना भी होगा शुक्ला जी को, क्या कहेंगे? आपको भी ऐसा लगता है क्या? जी पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। एक्चुअली अशोक जी, वी आर गुड फैंस ऑफ यू। एज फार एज US इज कंसर्न, US में जैसे भी है, पहली बात तो ये प्राण प्रतिष्ठा को लेके कार रैलीस बहुत हुई थी, शिकागो में खुद हम लोग किए थे, ह्यूस्टन, DC, कैलिफोर्निया, अराउंड 700-800 कार्स का रैली हो रही थी। वहाँ का जहाँ का बात है, हमको तो धर्म का बात है, धर्म से ही लेना देना। और ये सभी जो भी चीज़ हो रही है 500 साल की है, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे भी, और हो सके तो 1000 लोग आ सकते थे वैसे ही, मगर मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट 100 पीपल तो आ ही रहे 22nd को तो। मगर जहाँ का ये जो पॉलिटिकल है तो वो होगा ही होगा, मगर वो इंडियन डायस्पोरा के लिए आउटसाइड ऑफ इंडिया इट शुड नॉट मैटर। एंड दिस इज द मोमेंट विच वी हैव सीन, एंड यू नो द टाइप ऑफ ओकेशन यू नो वी आर एक्चुअली सीइंग विथ आवर ओन आईज एंड वर्ल्ड इज वॉचिंग एंड वर्ल्ड इज ऑल्सो ट्राइंग टू फॉलो सेम काइंड ऑफ यू नो। एंड यू नो हिंदू का जैसे बोलते हैं कि दिवाली के लिए यू नो पब्लिक हॉलीडे अनाउंस करने वाले, एक बिल पास हो रही थी US में, तो होगी कभी ना कभी तो होगी, तो ये सब होंगे ना तभी वो ऐसा चीजें हम लोगों को भी हो सकती। ब्रिटेन में तो हो गया, ब्रिटेन की संसद में आज शंखनाद हो गया राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का। लेकिन जो अमेरिका में भी कार्यक्रम हो रहा है, फनी कृष्णा जैसा बता रहे हैं, वहां पे भी कोई कार रैली निकाल रहा है, मंदिरों में सामूहिक रूप से पूजा हो रही है, उनके लिए सीधा सीधा विशुद्ध रूप से ये धार्मिक मामला है। और उनको लगता है, इंडियन डायस्पोरा को लगता है कि ये जो राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बना है ये बड़ा जरूरी था हिंदू धर्म की एक तरह से गौरव की
पुनर्वापसी के लिए बड़ा जरूरी था, इसलिए जो है इस कॉज के साथ जुड़े हैं। और शायद अभी तो 100-150 लोग यहाँ आए हैं, लेकिन हजारों लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कब उन्हें मौका मिले तो भारत आएं और भारत में आकर राम मंदिर में यहाँ पर दरअसल दर्शन करें। भूपेंद्र धर्माणी जी, ये पूरी डिबेट जो है अभी आपने शुक्ला जी को सुना, वो कह रहे हैं एक व्यक्ति पर फोकस होकर रह गई है, कहीं ना कहीं कुछ प्रपंच ऐसा लगता है, इस तरह की चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से बच जाते तो शायद अच्छा होता। देखिए, मैं आपके सभी दर्शकों को पहले तो जहाँ पर हूँ, भगवान राम को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद जो अभी तक डिबेट हुई है उसमें राजनीति को अगर आप एक तरफ छोड़ भी दें, जैसे आपने भी धर्मनिरपेक्षता की बात कही, हिंदू राष्ट्र की बात कही, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, और उधर अमेरिका से आए जो हमारे मित्र हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ के लोग किस प्रकार प्रतीक्षा कर रहे हैं, यूके के अंदर ऑलरेडी इसका शंखनाद हो गया है। ये एक शो करता है कि किस प्रकार एक पर्टिकुलर समुदाय को अभी तक दबाया गया है, और उनकी भावनाओं को दबाने का अर्थ ये है कि जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता वैसे तो शब्द ही गलत है, क्योंकि सेकुलर में आपको पता है कि संप्रदाय निरपेक्ष होना चाहिए। धर्म जो है वो आपका धर्म एंकर का है, हमारा धर्म जो एक अधिकारी का था तो हम रहे, वो रहे नेता का है, तो धर्म के बिना तो कुछ चलता ही नहीं है। और अगर हम उसको इस धर्म से देखें तो धर्म के रूप में हमने जो कुछ देखा है, आप यहाँ पर हिंदुओं के अंदर जो एक जिसको हम जीवन पद्धति कहते हैं उसके अंदर जो भी पैदा होता है वो पैदा होते ही राम का नाम, और मरना जब अर्थी लेकर जाते हैं उसके पीछे भी राम राम का नाम। ऐसे एक महान जो लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, उनके लिए 60 वर्ष तक आज़ादी के बाद कांग्रेस को पूरा मौका मिला कि वहाँ पर ये मंदिर बनवाते, लेकिन उसके बावजूद जो भी आंदोलन हुआ उसको क्रश करने की कोशिश की गई। मैं क्योंकि विद्यार्थी था, मैं जानता हूँ कि उस समय किस प्रकार कारसेवकों के ऊपर अत्याचार हुआ, वो भी आपके सामने है। अब जो राजनीति आ रही है, देखिए, जिन्होंने एक इतने बड़े हर्डल को, एक रुकावट को दूर करवाया तो उनको क्रेडिट जाएगा। अब बैनर कौन लगा रहा है, अभी मैं देख रहा था देवकी नंदन जी का, उधर जगतगुरु रामभद्राचार्य जी के इतने बैनर लगे हैं वहाँ पे, सबके फ़ोटो लगे हुए हैं, तो वो जो फ़ोटो हैं वो उनके दल के, उनके चाहने वाले लोग लगा रहे हैं, तो इसमें प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगनी स्वाभाविक है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा काम किया है। और योगी जी कह रहे कोर्ट से काम हुआ प्रधानमंत्री जी का। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए, ये मंदिर निर्माण कर रहा है ट्रस्ट, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, सरकार ने इसको फैसिलिटेट किया है, और उस फैसिलिटेट करने के लिए सरकार ने जो योगदान दिया है उसके लिए लोग उनको आंखों में बिठा रहे हैं, और इसमें कहीं भी पैसा जो है सिर्फ हमारे लोगों का लगा है, सरकार ने कोई पैसा नहीं लगाया। आप ये बताइए मेरे को कि आप आज की डेट में इस पूरी की पूरी डिबेट के अंदर हम देखें, इसको राजनीति से अगर हम अलग कर दें तो ये तो आप मानेंगे ना कि आज जो मैंने वातावरण देखा, मैं 84 में आपको अशोक जी बताऊं, सबसे पहले अयोध्या आया था। अच्छा। और उस समय ताला लगा हुआ था, मैं बता नहीं सकता, मैं जो हमारे साथ और लोग आए हैं उनको मैंने बताया कि आप आज ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मतलब एक साधारण सा ही शहर है, लेकिन उस समय की गलियाँ मैंने जो देखी हैं, कदम रखना मुश्किल था। आज जो बिल्कुल एक कायाकल्प अयोध्या का हुआ है, जो यहाँ पे वातावरण है, मेले का वातावरण बना हुआ है, आप भी मेरे ख्याल है कल से यहाँ पर है, मैं भी कल से यहाँ पर हूँ, मैं देख के हैरान हूँ कि किस प्रकार हजूम लोगों का पैदल ही। मैं आपको ये बताऊँ, मैं क्योंकि यहाँ पर कल भी मैंने एक चाय वाले की बात की थी, जो यहाँ पर अलग अलग जगह छोटे छोटे लोग जो चाय बेच रहे हैं ना, उनका अनुभव सुनने जरूर चाहिए। मैं एक अभी यही बात करने वाला था, यही आपके सामने अभी मैंने एक चाय वाले से पूछा कहाँ से आए हो, वो कहने लगा मैं गोरखपुर से आया हूँ। मैं कह कब से हो, कहता 4 महीने से। मैं कह यहाँ पे क्यों आए हो, तो वो जी कहने लगा मेरे को वहाँ पे 300-100 रुपये कमाता था। मैं कह यहाँ पर क्या हुआ, कहता जी पिछले महीने तक तो 600 रुपये कमा रहा था, अब 700-800 तक जा रहा है। तो ये इकॉनमी भी लोगों की बढ़ी है। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण बात है, जो लोग कह रहे हैं ना कि राम के आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे राम की प्रतिष्ठा होने के बाद यहाँ पर अभी जो फ्लैट बने हैं, मैं जिस 3-व्हीलर के अंदर आ रहा था उसको मैंने पूछा, कहता जी हम सोच नहीं सकते कि हमारे सिर के ऊपर कभी छत होगी, हमारी इतनी कमाई नहीं है। अभी हमें कुछ माह पहले ही योगी सरकार ने ये छत दी है,
तो आप ये जो कहना है ना, राजनीति के लोग यानी ऐसा नहीं है कि रामलला को ही छत मिली है, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं ना कि रामलला को तो छत मिली, उनको घर मिला, लेकिन गरीबों को क्या मिला। तो जो भूपेंद्र जी कह रहे हैं गरीबों को भी कुछ मिला, लेकिन एक बात जो मैं चाय वाली की बात कह रहा था, उस चाय वाले ने मुझे बताया कि यहीं सरयू पर जब पहले लोग आते थे, स्नान करने आते थे, तो यहाँ लूटपाट बहुत होती थी। उसने कहा कि पहले यहाँ पर बहुत गंदगी थी, अब जो है यहाँ पर बहुत कुछ बदल गया है। एक साधारण से चाय वाले ने मुझे बताया। चाय वालों की स्टोरी जो है ना, इसलिए नहीं क्योंकि आज एक प्रधानमंत्री जो है वो कभी चाय वाले थे, इसलिए नहीं, लेकिन चाय वाले क्योंकि यहाँ पर हमेशा रहते हैं, सबको गर्मा गर्म इस ठंडी में चाय पिला रहे हैं, उनके अनुभव सुनना भी एक बड़ा दिलचस्प बात रहती है। लेकिन मैं मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, मैं ब्रेक के बाद आता हूँ और ये जो सवाल जो उठाए शुक्ला जी ने, उन सवालों पर भी आऊंगा और मैथिल जी के पास आऊंगा और साथ साथ श्याम जी से भी इन सवालों के जवाब लूंगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। मुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है, बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा लाइए, मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी। NPS जरूरी है। तेरे ही दम से मेरा जग उजियारा। दिन हो या रात, तूने दिल को पिघलाया। अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना बताओ? आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बस हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियाँ सुनाए। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे हैं? समझे? समझे। इस उम्र में समझ के क्या कर लोगे हैं? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाए। बच्चों में अंतर, बनाए उनकी लाइफ बेहतर। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक आज जो है हम अयोध्या में राम की पेड़ी से दे रहे हैं, भगवान राम की नगरी, पावन नगरी अयोध्या से, क्योंकि 22 जनवरी को सबकी निगाहें, पूरे विश्व की निगाहें अयोध्या पर लगी हैं। यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और इसीलिए हम भी यहाँ पर हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए, और अयोध्या को देखने के लिए ही नहीं बल्कि अयोध्या को जीने के लिए। 5 मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट में जुड़े हुए हैं, जो तमाम इस पर बयानबाजी हो रही है उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। भूपेंद्र जी ने अभी ब्रेक पे जाने से पहले कार सेवकों का जिक्र किया, क्योंकि मैं आपसे खास तौर से सवाल श्याम जी जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप उस दौर के हैं जिस दौर में बीजेपी के साथ जो है शिवसेना का बड़ा अच्छा रिश्ता था, बाला साहब ठाकरे थे, बीजेपी बड़े साथ थी। आज तो संजय राउत जो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, उनकी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने भी कल जो बयान दिया कार सेवकों को लेकर, वो कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी ने ठीक किया, इससे ऐसी तो इसलिए तो आंदोलन बढ़ा। कल तो उन्होंने भी एक तरह से जस्टिफाई कर दिया कार सेवकों पर गोलीबारी। कैसे देखते हैं आप इसको?
हर सेनापति बाला साहब ठाकरे के टाइम की शिवसेना और आज की शिवसेना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। बेचारे शिवसैनिक फ्रस्ट्रेटेड है, निराश है, हताश है, उनके हाथ में कुछ बचा नहीं है। और जहां तक राजनीति का सवाल है, आज तक राजनीति किसने की इस पर? भाई कांग्रेस ने हमारे कार सेवकों पर लाठियां चलाई, मुलायम सिंह यादव ने कहा कि परिंदा भी पैर नहीं मार सकेगा, इतना हमारा तंदुरुस्त बंदोबस्त है। हमारी पांच पांच सरकारें बर्खास्त करी, कार सेवकों को जेल में डाला, कोठारी बंधुओं का बलिदान हुआ, या सरयू के किनारे लाशों के ढेर लगे थे, पूरे देश में आंदोलन चलाना पड़ा। और ये सब होने के बाद कोई कुछ भी कहे, इसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाएगा। इसमें गलत क्या है? उनको उनको विजन है, उनके हाथ में एक्शन है और देश की जनता का मन वो समझ रहे हैं। नहीं तो ये माहौल, आज यहाँ पर खड़े हुए सब लोग, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, ये संघ के स्वयंसेवक नहीं है, पर सब लोगों को मालूम है कि ये राम मंदिर को पुनर्प्रतिष्ठापित करने का काम और पूरे विश्व में यह मैसेज देने का काम कि अब भारत स्वतंत्र हो गया है, भारत का स्वाभिमान जग गया है, और इसके लिए तीर्थाटन करके देश की इकोनॉमी को कैसे बदल सकते हैं, ये हमने बनारस में करके दिखाया है। एक बनारस का कॉरिडोर बन गया, उज्जैन का कॉरिडोर बन गया, तो पूरे देश की जनता जिस प्रकार के तीर्थाटन के लिए जाती है, सरकार तो अपना काम करेगी, उसके साथ साथ लो आने वाले लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं, यहाँ का रोजगार बढ़ता है, ये सब बातें एक आर्थिक नया ढांचा खड़ा करने की ताकत इस तीर्थ क्षेत्रों में है। तो मुझे ऐसा लगता है भारत की विश्व में पहचान, एक आध्यात्मिक देश, एक संस्कार वाला देश, पवित्र देश, इस प्रकार की जो पहचान है उसको पुनर्प्रस्थापित करने का काम मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र है। ओके, आपने कहा ये इस जो एक तरह का भारत को लेकर जो गौरव गान दुनिया में हो रहा है वो भी अपनी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन शरद जी, एक बात है, आपने क्योंकि कटआउट की बात की, मुझे अचानक से याद आया, आज जब मैं यहाँ पे घूम रहा था, ठीक है ये तो कटआउट सरकार ने लगा दिए, आज लगे हैं कल उतर जाएंगे, मैंने एक राम भक्त को देखा, उसने अपनी साइकिल पर आगे पीछे भगवा झंडा लगा रखा था और अपनी साइकिल पर उसने दो बड़े बड़े कटआउट प्रधानमंत्री के लगा रखे थे। तो वो कटआउट तो हट जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये काम करके लोगों के दिलों में जगह बना चुके हैं, उसका क्या करेंगे आप? देखिए, मैं फिर भी बात दोहरा रहा हूं कि क्यों इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। आप जो समझना चाह रहे हैं बतौर कांग्रेस नेता मुझसे, देखिए 22 तारीख को दर्शन जो नहीं करेगा वो रामद्रोही हो जाएगा, माहौल तो ही बनाया जा रहा है। भाई 22 तारीख को मैं और मेरा पूरा परिवार अपने घर पे सुंदरकांड का पाठ करेंगे, प्रसाद बांटेंगे, लेकिन इस पॉलिटिकल इवेंट का मैं बार बार विरोध करता रहूंगा। मतलब आप भी 22 को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के समर्थन में नहीं है? नहीं, मैं क्यों नहीं हूँ समझ लीजिए पहले इस बात को। मैं शुरू से जाता हूँ, अभी कार से ऊपर गोली की बात चल रही थी, अपने प्रवक्ता महोदय ने भी कहा, मैं बहुत दुखी हूँ उस माहौल को, मैं पैदा नहीं हुआ था, मैं याद करता हूँ वो समय जब गोली चली थी कार सेवकों पर, बताते हैं पूरा लाशों का अंबार लग गया था, उन्हीं मुलायम सिंह यादव जी को पद्म पुरस्कार इन्होंने दिया, हमने तो नहीं दिया, इन्होंने दिया, और उन्हीं मुलायम सिंह यादव की सरकार में जब कार सेवकों पर गोली चली, उनकी सरकार के अंदर जो प्रधान सचिव था, 8 ट्रस्ट के अंदर सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ है। नहीं, वो कल भी क्लैरिफिकेशन हुआ, वो कल भी क्लैरिफिकेशन हुआ शरद जी, वो उस समय नहीं थे प्रधान मुख्य सचिव, वो नहीं थे। ये बात कल भी हम डिबेट में उठी और कल भी इसका क्लैरिफिकेशन हुआ, वो उस समय नहीं थे, वो जो है वो बिल्कुल गलत तथ्य है, इसका फैक्ट चेक हो चुका है, वो सिस्टम में होंगे, जाहिर सी बात है क्योंकि एक अधिकारी है तो सिस्टम में होंगे, लेकिन वो प्रधान सचिव नहीं थे, इसका फैक्ट चेक हो चुका। सरकार में थे सर, भाई सरकार में तो अधिकारी हमेशा रहेगा, तो अगर मुलायम सिंह दोषी है सरकार में, दोषी नहीं है फिर? हाँ, नहीं तो और आगे सुनिए। हाँ, और आगे सुनिए। अरे बाबा, उस समय तो सरकार में, उस समय सरकार में अगर सारे ही जो अधिकारी थे ब्यूरोक्रेट थे, ये भी सरकार में रहे हैं, ये भी ब्यूरोक्रेट रहे हैं, ये भी एक 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 पद पे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय सरकार जो है उसमें, मेरी बात पूरी हो जाए सर। हां, और आपने कहा कि रामलला 14 साल बाद नहीं, 500 साल बाद आ रहे हैं। जब राम जी लौटे थे अयोध्या तो दर्शन करने सबके लोग आए थे, अगड़ा हो पिछड़ा हो कोई कैटेगरी नहीं बनी थी, तो जब आज इतने संघर्षों के बाद राम जी स्थापित होने जा रहे हैं, तो चंपत राय जी को ट्रस्ट को
किसने अधिकार दे दिया कैटेगरी बनाने का कि कौन दर्शन करेगा और कौन नहीं करेगा। भाई इस अयोध्या के अंदर दो पीढ़ियां लगातार इकबाल अंसारी और हाशिम अंसारी इन दोनों लोगों ने राम जी के खिलाफ चुनाव लड़ा मुकदमा, जीवन पर्यंत लड़ा मुकदमा, उनको निमंत्रण चला गया। और वो सीताराम यादव जो 50 साल से लगातार भोग बनाए रामलला के लिए, उनको नहीं पूछा गया। मुझे बताइए कि वो कार सेवक भाई सूर्यमल जी बैठे हैं, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ, ये उस परिवार से आते हैं जिसने कार सेवक में भाग लिया था, इनको नहीं पूछा गया। आलिया भट्ट को बुलाया गया है, भाई कौन सी कार से आलिया भट्ट ने की है? धन्यवाद अशोक जी। पहले तो आपको पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। और विस्तार से बिंदुवार बहुत सारे प्रश्न उठा दिए हैं, उसका मैं जरा विस्तार से उत्तर देता हूँ। सबसे पहली बात, इन्होंने कहा कटआउट की और पॉलिटिकल इवेंट की, तो मैं एक उदाहरण के साथ शुरुआत कर रहा हूँ कि आज से पहले सुप्रीम कोर्ट का एक और निर्णय आया था शाहबानों का, याद होगा आपको जी। उस शाहबानों के निर्णय में क्या आदेश था कि भैया जो शाहबानों है उसको भरण पोषण का जो अधिकार है वो मिलता है। तब तथाकथित कुछ कट्टरपंथी नेता ये कह रहे थे हमारे धर्म के अंदर ये मान्य नहीं है और हम तो इसको नहीं मानेंगे, हम ना संविधान को मानेंगे ना कानून को मानेंगे और हम अपनी किताब को मानेंगे। तब सरकार घुटनों पे आ गई थी और घुटनों पे आने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने क्या किया, उस समय में संसद में एक बिल पास किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया। मैं क्यों ना कहूं कि आज भी यदि इस देश के अंदर 56 इंची छाती नहीं होती, वो लौह पुरुष नहीं होता या सत्ता में बैठे हुए हैं, वो अदम्य साहस और संकल्प से सिद्धि का जो वो ध्येय लेके चल रहे थे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते और कांग्रेस की सरकार दुर्भाग्य से होती, तो सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर ऑर्डर करता रहता, संसद में एक और बिल पास हो जाता कि देश के अंदर गंगा जमनी तहजीब जो है वो बिगड़नी नहीं चाहिए। देश के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी, पत्थर चलेंगे, दंगे होंगे, विघटन हो सकता है, इसलिए शांति के लिए हमें इसको रोकना होगा। अभी आदरणीय श्याम जी ने बताया कि 62 या 67 बीघा जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को वापस मिली, तो क्या आपको लगता है कांग्रेस की सरकार यदि होती तो वो जमीन वापस मिलती? आपको मैं एक और उदाहरण देता हूं, अभी शाही मस्जिद का जो एक मामला चल रहा है उसके अंदर वो 13 एकड़ का एक मामला है जिसके अंदर इन्होंने तत्कालीन इंदिरा गांधी जी ने उस समय में जब उनकी अल्पमत में सरकार थी तो AIMIM से उन्होंने समर्थन लिया था। मैंने पढ़ा उसके बारे में क्या क्या कारण है, तो AIMIM से समर्थन लिया और उस समय में उस AIMIM की लीडरशिप ने कहा था कि हमें इस कृष्ण जन्मभूमि में से 2.3 एकड़ का एक हिस्सा चाहिए, यह आपको भी जानकारी होगी जी, बिल्कुल। एक मिनट, तो क्यों ना कहा जाए कि नरेंद्र मोदी जी के कारण आज रामलला विराजमान को अपना दिव्य और भव्य मंदिर मिल रहा है। उस लौह पुरुष ने लाखों गालियां सुनी इनकी, क्या क्या इन्होंने नहीं कहा उनको, कितना अपमानित नहीं किया, लेकिन वो संविधान में बंधे हुए और पूरी शालीनता के साथ देश का राजकाज भी चला रहे हैं। आज हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भी हैं और ये कहते थे कि वहां पर तो आप अस्पताल बनवा दीजिए, स्कूल बनवा दीजिए। अरे मैं इनको बताना चाहता हूं और उस हक कांग्रेसी को बताना चाहता हूं कि तो देश की अर्थव्यवस्था में 11 लाख करोड़ से ज्यादा का योगदान हमारे मंदिर और मठों से आता है। बिल्कुल। और बिल्कुल। एक बात और महत्वपूर्ण है, एक बात और कि ये लगातार कह रहे हैं कि भैया हम भी पूजा करेंगे। अरे भगवान श्री रामचंद्र जी लला विराजमान के आशीर्वाद से 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी जी जब से सत्ता में आए तब से ये कांग्रेस के लोग मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, टीका लगा के कोट में जनेऊ पहन के, उससे पहले ये अजमेर शरीफ जाते थे, वहां चादरें चढ़ाते थे, उसके अलावा वो कोई काम नहीं था। और आपने मेरे ऊपर कहा ना, तो सुन लीजिए, नहीं चाहिए पदयश गरिमा, तेरा वैभव अमर रहे माँ, और तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे हमें किसी तरह की लालसा नहीं है, बस नरेंद्र मोदी की धन्यवाद है कि उन्होंने हम हिंदुओं का 550 साल का जो हमारा प्रतीक्षा समय था उनको, उनको तकलीफ नहीं है, लेकिन आपने उनकी बात करी, लेकिन उनकी पीड़ा है वो उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। मेरी कोई पीड़ा नहीं है, मेरा बहुत प्रसन्नता है मुझे, जान रहा हूँ। अरे मैं बहुत प्रसन्न हूँ भाई, देखिए ऐसा मैं आयातित नहीं किया गया, मैं अयोध्या का ही हूँ। और आप अयोध्या के हो, सुन लीजिए, आप अयोध्या के हो तो आपको रामलला विराजमान के
जो आज दिव्य और भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आपको खुशी होनी चाहिए। ओके ओके ओके, हाँ हाँ, जितनी सर की उम्र होगी उतने दिन से सुंदरगढ़ का पाठ हमारे यहाँ हो रहा है, और मुझे सनातनी होने का और हिंदू होने का और राम भक्त होने का सर्टिफिकेट इनसे तो कतई नहीं चाहिए मुझे। वो ठीक है, आपकी बात ठीक है, सर्टिफिकेट कोई किसी को नहीं, लेकिन आपने अभी आपने कहा, देखिए तकलीफ क्या होती है ना, मैं आपको एक, मैं जो सामने जो ऑडियंस खड़ी है ना, मैं उनकी तरफ से आपको एक बात बोल रहा हूं। जी जी, आप कोई नहीं कह रहा कि कोई आप सनातनी नहीं है, हिंदू नहीं है, लेकिन तकलीफ कब होती है हम सब लोगों को? तकलीफ तब होती है जब तमिलनाडु में बैठा एक नेता कहता है, आपके साथ का गठबंधन का नेता कहता है कि सनातनी जो सनातन है वो डेंगू है, मलेरिया है, उसका एड्स है, एचआईवी है, उसका समूल नाश होना चाहिए, और कांग्रेस का कोई नेता उसका खुलकर विरोध नहीं करता। वो तकलीफ होती है सर, सनातनी आप हैं, हम तो चाहते हैं आप कट्टर सनातनी रहे, लेकिन सनातनियों के लिए आवाज भी उठाइए सर, ये लोगों की तकलीफ है। जो भी व्यक्ति, नहीं ठीक है, हम नहीं कहेंगे, वो हमसे ये कहेंगे या जरूर जवाब दें। हाँ जी, देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि ग्रुप में जी, अगर कांग्रेस पार्टी किसी नेता का बयान आएगा मैं टिप्पणी करूंगा। नहीं नहीं, सुन लीजिए हाँ। इसके इतर जाके मैं कह रहा हूँ जी, इस तरह का कोई भी बयान चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी को अधिकार नहीं है। राम इस देश की आत्मा है, प्रभु श्री रामचंद्र जी पे कैसे भी टिप्पणी और सनातन में टिप्पणी करने वाला कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता है अक्षम्य है, अपराध की श्रेणी में। शरद जी, शरद जी, प्रशांत खड़गे और कीर्ति चिदंबरम ने समर्थन किया था, तब आप बताइए। नहीं, उससे भी एक मिनट, नहीं शरद जी, उससे भी बड़ी बात, एक मिनट शरद जी, उससे भी बड़ी बात जो आप अभी कह रहे हैं ना, बड़ी अच्छी बात है जो आप कर रहे हैं, मैं इसके लिए आपका साधुवाद, लेकिन मैं फिर सवाल उठाता हूँ कि कमलनाथ जी का विरोध करता है पार्टी का एक प्रवक्ता, उसको कारण बताओ नोटिस मिल जाता है, लेकिन जो राम के नाम पे लगातार विश्वमन करते हैं उनमें से कितनों को कारण बताओ नोटिस मिला? किसी को नहीं मिला, लेकिन कमलनाथ के खिलाफ एक प्रवक्ता ने बोल दिया, मजबूत प्रवक्ता ने, उसको अगले दिन कारण बताओ नोटिस मिल जाता है। तो राम के खिलाफ बोलने वालों को कारण बताओ नोटिस कांग्रेस कब देगी? ये तो सवाल उठता है मन में। मैं बार बार इस बात कह रहा हूं आपको कि रामचंद्र जी के बारे में, सनातन के बारे में, हिंदू के बारे में टिप्पणी करने का अधिकार इस देश में किसी को नहीं होना चाहिए। कानून व्यवस्था है, अगर कहीं आप टिप्पणी हो रही है उन पर कार्रवाई करवाइए, आप उन्हें जेल भेजिए। भाई इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बेटी आज भी इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्हीं की भाजपा से, और वही नेता लगातार एक पंचवर्षीय मलाई जटा इनके साथ दो दिन बैठ गए इनके, वो रामचंद्री में टिप्पणी करता है, मानस फूंकता है, और वही लखनऊ के अंदर जहां योगी जी रहते हैं तो गिरफ्तार नहीं करवा पाते। ठीक है, और सुन लीजिए सर, सर मैं इस सवाल का, मैं इसी अयोध्या के अंदर, मैं जब शिला यहाँ पे आई थी, यहाँ एक शिला आई थी, कहा गया कि इससे मूर्ति बनेगी, मैं दर्शन करने सुर गया था, चढ़ाया था उस पर दक्षिणा, चढ़ाई थी हम लोगों ने, वहां पुलिस फोर्स पूरी आ गई कि ये लोग कैसे यहाँ पे जुट रहे हैं। अभी 15 तारीख को एक माहौल बना दिया, सुनिए आप, 15 तारीख को मकर संक्रांति थी, परंपरा सनातन में रही है कि संक्रांति लगती है तो स्नान करते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं। अजय राय जी आए थे, हमारे अष्टी माता जी अविनाश पांडे जी आए थे, बीजेपी के विचारधारा के प्रेरित गुंडों ने हमारे 65 साल के कार्यकर्ता को मारा पीटा, तक गला दबाया, उसमें एक पक्ष और भी है जो आप कह रहे हैं, मैं एक मिनट हाँ उसमें, हाँ जल्दी से मुझे ब्रेक लेना है। अच्छा, ऐसा है कि जो इन्होंने बात कही मकर संक्रांति, अभी अभी यही बात हो रही थी, मैं हालांकि इस विषय पे आना नहीं चाहता था कि राजनीति की बात हो रही है, भगवान के लिए माथा टेकने जा रहे हैं तो कांग्रेस का झंडा लेके कौन जा रहा था? बीजेपी का झंडा लेके तो कोई नेता नहीं गया आज तक, तो राजनीति किसने फैलाई? 60 वर्षों से ये चल रहा था, उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। आपने जो बात कही उस बात को अगर हम दूसरे पक्ष को देखें तो इस मंदिर के लिए आज लौह पुरुष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि उन्होंने इस देश को इकट्ठा किया, तो इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री को क्यों नहीं मिलेगा जब उन्होंने इसको सारा इनिशिएटिव लिया? ओके ओके, और दूसरी बात ये है, एक मिनट, ये मंदिर या जो भी कॉरिडोर वो वहां के ट्रस्ट बना रहे हैं, उसको उस शहर को देखते हुए आप एयरपोर्ट, जैसे अभी अमेरिका से आए हैं बता रहे हैं कि लोग आना चाह रहे हैं, अमेरिका से कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोगों ने ये बताया कि एयर फ्लाइट के अंदर आप भी जाते हैं हम भी जाते रहे हैं, कोई भी अगर कहीं भगवान का नाम लेता था तो उसको
बड़ा हीन दृष्टि से देखते थे। अभी जो फ्लाइट आई है उसमें हनुमान चालीसा पढ़ते हुए लोग आए हैं। बिल्कुल, वो तो मैंने वातावरण है, मैंने खुद देखा आपको। ये जो वातावरण है अशोक जी, इस वातावरण को पहचानने की आवश्यकता है और इस वातावरण को देखते हुए इस कार्य के लिए प्रधानमंत्री और योगी जी को श्रेय जाना ही चाहिए। बिल्कुल, वातावरण को पहचानने की जरूरत है, लोगों के दिलों में जो है उसको भी थोड़ा जानने पहचानने की जरूरत है। इसीलिए जब आप लोगों के दिलों में क्या उसको नहीं जान पाते और फिर चुनाव हार जाते हैं, फिर ये कहा जाता है ईवीएम हैक हो गई, तो लोगों के दिलों में क्या उसको समझने की बहुत जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में श्याम जी के पास और मैं फनी कृष्णा जी के पास आऊंगा इस ब्रेक के बाद। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। UPI कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आस पास के भोले को बचाएं। भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रात कई लोग भूखे सोते हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर दूसरों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार ईट राइट नागरिक बनिए। पहला, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। दूसरा, भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए एक बार में ही ज्यादा खाना न लें। तीसरा, बचे हुए ठीक भोजन को न फेंकें, जहां तक हो सके बचे हुए खाने को अन्न व्यंजन बनाने में प्रयोग करें। चौथा, अनाज दालों तथा अन्य सूखे खाद्य सामग्री को एयरटाइट डब्बों में रखें। फल सब्जियों और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध दही आदि को फ्रिज में रखें। पांचवा, बची हुई खाद्य सामग्री एकत्रित करें और जरूरतमंदों में वितरित करें। और आखिर में, कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक कचरा जैसे सब्जी और फलों के छिलके व पत्ते आदि को रिसाइकिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। हर बार तूने कुछ अलग कर दिखाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तूने ही मिलके करार जगाया, खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी, और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई, LIC, ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC, हर पल आपके साथ। के अंतिम चरण में एक बार फिर इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कम समय है लेकिन फनी कृष्णा जी, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा का, ये भारत की जो है एक तरह से प्रतिष्ठा जो है, जो भारत की, जो भारत का विश्व में एक बार फिर से एमरजेंस हो रहा है, एक तरह से भारत फिर से एमर्ज हो रहा है। आपको भी ऐसा लगता है क्या, दुनिया अब भारत को एक अलग दृष्टि से देख रही है? क्योंकि अगर UK US में भी ये हो रहा है, सनातन की बात हो रही है, राम जन्मभूमि पर मंदिर बन रहा है उसकी बात हो रही है, तो एक नया भारत का उदय हो रहा है, हो चुका है वैसे तो। आप लास्ट 10 साल से देखिए ना, जैसे मैं सुन रहा हूँ ऐसे, अगर मोदी जी को एक खुद ही क्या करना है तो यू नो 10 साल पहले ही कर देते। अगर यही चीज़ पहले क्या किया, पहले यू नो अपना एस्टैब्लिश को पूरा भारत को जोड़े,
डेवलपमेंट हुआ, इंटरनल डेवलपमेंट हुआ, देन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में गए. लाइक यू आर सेइंग आल्सो राइट, वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी राइट नाउ एंड वी आर वेरी स्ट्रांगेस्ट. अब जयशंकर जी को रिसेंटली सुनेंगे तो वो बोला है कि हर मसला को भारत से कंसेंसस लिया जा रहा है. हर वर्ल्ड का सिचुएशन आप देखिए, कहीं भी वॉर्स हो रहे हैं, वी आर एक्चुअली प्लेइंग ए रोल ऑफ यू नो ट्रू लीडर नॉट ओनली दिस ईयर. अभी ये जो भी हो रहा है, वैसे ये वंस इन ए लाइफ टाइम भी नहीं बोल सकता हूँ, ये 20 साल 30 साल का बात कर रहे हैं, तो मैं तो देखता हूँ युग में एक बार हो रहा है. प्लीज आइए, आशीर्वाद लीजिए. जो नहीं आना चाहता है उसका बस किस्मत ही है, क्योंकि मैं जानता हूँ लोग मर रहे हैं आने के लिए. लोग आने भाई हमको इनवाइट क्यों नहीं आ रहा? अरे भाई मैं जिंदगी भर तो मैं हमको तो इनवाइट ही नहीं आ पा रहा. मगर क्या कर सकते हैं, शहर का तो कैपेसिटी उतना ही है. बिल्कुल बिल्कुल. अगर 10 साल के बाद होता है ना ये शहर का इतना डेवलपमेंट में. बिल्कुल बिल्कुल. वो तो अभी समय लगेगा. और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अभी भी जो है होटल्स की ऐसी मारामारी है कि लोगों के लिए जगह नहीं है, और इसीलिए जो है कहा जा रहा है धीरे धीरे आए. पर सिर्फ 30 सेकंड में मैं आपसे एक आखिरी बात चाहूंगा, ये कार्यक्रम इसके बाद क्या आपको लगता है चुनावी मुद्दा बनेगा बीजेपी के लिए, इस तैयारी में बीजेपी? आज देश का एजेंडा बदल गया है, लोगों ने यह विषय पूरा अपने हाथ में ले लिया है, और अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल राजनीति के परे यह विषय पहुंच गया है, क्योंकि हमारी नीति स्पष्ट है. Okay. हमारी नियत में कोई नियत हमारी साफ है. ठीक है. अभी ये पत्रकार मित्र जो कह रहे थे बाकी इवेंट्स में लोगों को लाना कैसे, संख्या कैसी जुटानी, ये समस्या होती है. सही. इसमें सबकी समस्या है, लोगों को रोको. रोको लोग अपने अपने जगह पे रहे, अपने घरों में काम करे, अपने गांव में जावे, मंदिरों में जाए, पर यहाँ मत आए. ये पहली बार देश के इतिहास में कहना पड़ रहा है. मुझे याद आ रहा है अथर्व वेद में जो लिखा है, ये देवों की नगरी है, ये देवताओं की नगरी है, उसको साकार करने का काम मोदी जी के हाथ से हुआ है. इसलिए पूरे साधु संसद, पूरे देश के धार्मिक जनता उनको धन्यवाद दे रही है. ओके, चलिए, संतों की नगरी है ये तो सब जानते हैं, भगवान की नगरी है, पावन नगरी है. और जाहिर सी बात है अभी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, और इसीलिए आज योगी जी ने भी कहा, क्योंकि आना तो बहुत लोग चाहते हैं. जैसे फनी कृष्णन जी ने भी बताया कि सीधा सीधा अमेरिका में ही अभी अगर चाहे तो कई सैकड़ों लोग हैं जो है आने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन धीरे धीरे आना है, क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी. लेकिन आना जरूर है, लेकिन अपना वो समय देखकर जब यहां पर आप आराम से आ सके, बिना किसी असुविधा के प्रभु श्री राम का दर्शन कर सके. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए. दो टूक में आज अयोध्या से सिर्फ इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी. फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार.